और आई लिंक माई इंस्टा अकाउंट देयर और डिस्क्रिप्शन में भी, तो आप प्लीज़ उसे जाके फॉलो कीजिए क्योंकि यहाँ पर ऑलमोस्ट 200 सब्सक्राइबर्स होने वाले, बट यहाँ पर फॉलोअर्स बहुत कम है। आई हैव टू इंस्टाग्राम अकाउंट, फर्स्ट माई आर्ट पेज जिसका नाम है सारा पुखराज और सेकेंड चैनल नेम अज्यूम होता है, तो आप दोनों को जाके फॉलो कीजिए और सपोर्ट कीजिए। सो टुडे आई एम गोना बी शोइंग यू माई पेंटिंग्स, माई डूडलिंग्स, माई पेंटिंग्स, माई एक्रेलिक, एवरीथिंग। तो लेट्स गेट स्टार्टेड। सो लेट्स स्टार्ट फ्रॉम माई पेस्टल वर्क जो मैंने अभी रिसेंटली बनाया है। इसका अभी तक तो वैसे मैंने तो नाम नहीं दिया है क्योंकि मैं मेरी हर पर मैंने तो एक नाम तो देती हूँ। आई थिंक ये दो सिनेरियो पेंटिंग है, बहुत नॉर्मल है बट ऐसा कुछ था है, दो सिनेरियो मैंने सोच कर ट्राई किया था तो मेरे लिए बहुत नहीं था। और जो मेरी बिल्कुल रीसेंट पेंटिंग है जिसको मैंने सिर्फ आई थिंक 1 वीक पहले बनाया, इसका ट्यूटोरियल मैंने इसी लिए डाला क्योंकि आई थिंक जब मैं वीडियो शूट नहीं करती हूँ ना पेंटिंग में तो बहुत पीसफुली मैं बना सकती हूँ। सो लेट्स मूव फॉरवर्ड। ये मेरी सेकंड पेस्टल पेन है, इसलिए शायद इसमें ड्राइंग अच्छी तरह नहीं हो रही है क्योंकि मेरी सेकंड पेस्टल पेन है। इसका आई थिंक 1.5 फुट हो गया है और मैं मेरी सारी पेस्टल पेन संभाल के ये भी मैं रिसेंटली इसको आई थिंक 4 डेज पहन की है जिसको मैंने बनाई थी, क्योंकि हमेशा हम देखते हैं कि जो मोमेंट होती है वो काफ़ी स्लिम वगैरह होती है, तो इस बार मैंने थोड़ा सा उसको स्लिम की जगह थोड़ा सा हेल्दी बना दी मोमेंट को। ये वो मेरी रीजन है। दिस वन इज माई फेवरेट ऑल टाइम। ये जो पेंटिंग है ये मेरी बिल्कुल फेवरेट लिस्ट में होती है क्योंकि इसमें मैंने जो है फर्स्ट टाइम मैंने किसी आर्ट कॉम्पिटिशन में पार्टिसिपेट किया था और फर्स्ट प्राइज जीता था मैंने। और इसकी जो थी एक्सप्लेनेशन, आई थिंक मैं एक्सप्लेनेशन ना थोड़ी सी पेस्टल वर्क क्योंकि वहाँ पर किसी ने पेस्टल वर्क नहीं किया था, सिर्फ मैंने पेस्टल वर्क किया था इसीलिए मैं जीती थी। और और जो भी उनकी थी वो स्केचेस थी जो मेरे दूसरे कंपेटिटर्स को मिला था। ये मेरी पेंटिंग है जिसको आई थिंक 1.5 साल हाँ 1.5 साल ऑलमोस्ट हो गया है, ये भी 1 साल पहले थी। मुझे हमेशा से ग्लास बनाना नहीं आती थी तो इसमें मेरी सिस्टर ने ग्लास बनाने में मेरी हेल्प की थी और ये पूरा मैंने पेस्टल वर्क किया था। इसकी थोड़ी थोड़ी सी फनी है कि मुझे इसको यूनिवर्स टाइप की जो पेस्टल वर्क में आप यूनिवर्स बनाते हो यूनिवर्स का थोड़ा सा फनी तो वो मुझे करना था, बट जैसे मैंने पेस्टल वर्क में यूनिवर्स का बैकग्राउंड बनाया तो वो वैसा फील ही नहीं दे रहा था, वैसा दिख ही नहीं रहा था। तो मैंने कुछ लैम्प बना दिए, लैम्प शेड बना दिए, ट्री बना दिया जो कि बहुत अजीब सा लग रहा है इस वक्त, और कुछ स्टार्ट बना के बस इसको भी 1 ईयर में हो गया। ये पेंटिंग आई थिंक मुझे इतनी पसंद नहीं है जितनी मेरी सिस्टर और मेरी मदर को पसंद है क्योंकि इसमें आई थिंक जो मेरी ड्राइंग है वो बहुत क्लीन है, इसलिए शायद उनको बहुत अच्छी लगती है। इसका ट्यूटोरियल ये बिगनर्स के लिए बहुत इजी और बहुत सिंपल है, इसका ट्यूटोरियल मैंने अपने चैनल पे दिया हुआ है, अगर आपने नहीं देखा है तो प्लीज़ जाकर देखिए, एटलीस्ट लुक तो दीजिए कि ट्यूटोरियल लग कैसा है आपको। इसमें मैंने आई थिंक बहुत सारे कलर यूज़ किए बैकग्राउंड के लिए और डिफरेंट कलर यूज किए, ये बिगनर्स के लिए बहुत अच्छी है। ये मेरी पेंटिंग लिस्ट में मेरी फेवरेट नंबर पे आती है, थर्ड नंबर पे आती है, थर्ड या फोर्थ नंबर पे तो ये आती है क्योंकि आई थिंक मैंने सिचुएशन पे बनाई थी हाफ फेस और पूरा जो ट्री होता है वो खाली, मतलब उसमें एक भी लीफ नहीं है, तो कितने ज़्यादा इमोशन फील हुए एक फेस में वो मैंने पेंटिंग बनाई थी। इसको आई थिंक 3-4 मंथ्स हो गए। इस पर भी मैं एक आर्ट कंपटीशन में मैं एक टैलेंट कंपटीशन में गई थी जिस पर मैंने आर्ट की कैटेगरी में पार्टिसिपेट किया था, तो ये वाली जो पेंटिंग है ये मैंने ऑडिशन में बनाई थी और इस पर मैं सेलेक्ट भी हुई थी, मतलब सेकेंड राउंड में भी गई थी। और कोरोना की वजह से मतलब अभी जो सिचुएशन चल रही है उसकी वजह से
वो सेकेंड राउंड अभी तक हुआ ही नहीं है, बट नो प्रॉब्लम, मेरी फेवरेट है ये। बिगनर्स के लिए बहुत अच्छी, इसका भी ट्यूटोरियल मैंने अपने चैनल पे दिया है, तो प्लीज़ जाकर देखिए अगर आपने अभी तक नहीं देखा है तो। यहाँ पर एक स्विंग है, दो सिनेरियो पेंटिंग है, बिल्कुल नॉर्मल है, सिंपल है, कोई सन नहीं, कोई मून नहीं, शैडो पेंटिंग है, एक नॉर्मल सा स्विंग है, ट्री है और बैकग्राउंड कलर है, ठीक है। तो अब हमारा पेस्टल लुक ख़त्म हो चुका है, तीन चार और भी पेस्टल है जो कि मैंने फ्रेमिंग के लिए दी है, तो आज कल में आ जाएगी, मतलब वन वीक आई थिंक लगेगा, तो उसके भी मैं एक अलग वीडियो बना दूँगी, बस आप कमेंट करना कि डू इट और पेस्टल लुक और मैं और भी देखता हूँ। तो अब हम बढ़ते हैं हमारे एक्रेलिक की तरफ, सो लेट्स स्टार्ट। हमारा अभी एक्रेलिक का वर्क बाकी है, तो आई नो ये बहुत फनी है, मैंने पेस्टल और डूडलिंग की मैंने क्लासेस ली थी, बट मैंने एक्रेलिक कभी क्लासेस नहीं ली थी। मैंने सिर्फ यूट्यूब से देख देख के एक्रेलिक सीखा है, कलर को पहचाना है, और मतलब होता है ना मिक्सिंग वगैरह, ब्लेंडिंग सब मैंने यूट्यूब से ही सीखा है। तो ये मैंने बनाई थी, मेरी फर्स्ट पेंटिंग है, जो कि मेरे घर वालों को बहुत अजीब सी लगी थी, बट क्योंकि फर्स्ट टाइम था तो ठीक है, इट्स गुड। ड्राइंग की वजह से अजीब सी लग रही होगी, और शायद जो वाइट पिंक कलर है उसकी वजह से थोड़ी सी फनी है। और ये बहुत अच्छी पेंटिंग लगती है मुझे, ये मेरी सिस्टर की फर्स्ट अटेम्प्ट है, मेरी सिस्टर का फर्स्ट अटेम्प्ट है, वो पेंटिंग बहुत अच्छी, बट वो मूडी है, वो कभी पेंटिंग करती है कभी नहीं करती है, बट ये बहुत ही ज़्यादा अच्छी है। ये पेंटिंग मुझे सिर्फ और सिर्फ इसके मून की वजह से अच्छी लगती है, क्योंकि जो ब्लेंड हुआ है ना कलर में वो बहुत अच्छा लगता है, और जो साइड पे ये छोटा सा चीज है वो भी बहुत सूट कर रहा है। आई नो थोड़ी खाली खाली है, बट ओके ठीक है, ट्राई था इस पर भी मैंने ट्राई ही की थी। ये भी मेरी बहुत अच्छी पेंटिंग है एक्रेलिक में, क्योंकि आई नो ड्राइंग में थोड़ा सा ऐसा है कि थोड़ा सा ड्राइंग में ऐसा 1920 वाला सीन हुआ है, बट जो पीछे का बैकग्राउंड है वो बहुत अच्छे से ब्लेंड हुआ है, येलो ऑरेंज रेड, बट ये भी ऑरेंज, मतलब जो ब्लेंडिंग हुआ है वो पता नहीं चल रहा सही तरीके से, भी ब्लेंडिंग बहुत अच्छे से हुआ है। और इसके एक और चीज़ मैं आपको बताती हूँ, ये है मॉर्निंग व्यू, ये है नाइट व्यू, ये मैंने एक्रेलिक में फर्स्ट टाइम ट्राई किया था, बट क्योंकि ऐसी बनी थी मेरी एक्रेलिक, तो मैंने और मैं आर्ट के सामान बिल्कुल यूज़ नहीं करती, मैं तो सामान सामान यूज करती हूँ, क्योंकि आपको पता है आर्ट कितना पसंद है। तो ये है फ्रंट व्यू, ये है बैक व्यू, मैंने बैक पेज मतलब बैक स्केच पेपर यूज था, और तो ये एक और पेंट लगा दिया, ये भी मेरी फेवरेट पेंट है, मुझे अच्छी लगती है। ये मैंने सिर्फ ट्राई की थी कि जो नीचे का जो ग्राउंड है वो इतना बड़ा कैसा लगेगा, और सिर्फ एक चीज़ इसमें से कुछ ही वो निकल गई हो, टेम्स वगैरह निकल गई हो, कैसा लगता है, तो ट्राई आई थिंक सही होगी। बट बैकग्राउंड इसका भी बहुत अच्छा है, येलो ऑरेंज ऑरेंज रेड पर्पल, बैकग्राउंड ब्लेंडिंग काफ़ी अच्छी है मेरी। इसका भी मैं आपको बताती हूँ, इसका सबसे पहले मैंने बैकग्राउंड बना दी, फिर मैंने ट्री बना दी, तो मून बना दी, तो मुझे ऐसी सिंपल सी क्यूट सी अच्छी लग रही थी, बट फिर मैंने बनाया ट्री, ट्री तो चलो बना दिया, स्विंग भी बनाया और गर्ल भी बनाई, स्विंग ये सब अच्छा लग रहा, फिर मैंने कहा अरे ये सब खाए, तो अब मैंने फिर अच्छी बना दिया, और यहाँ पर एक बेंच बना दिया जो कि इतना ज़्यादा एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी हो गया, बट इसमें आप देखो मून बहुत ज़्यादा अच्छा लग रहा है, मुझे मून एक लुक दे रहा है पेंटिंग, अगर मून नहीं होता तो शायद मेरी पेंटिंग बहुत बेकार होती। इसका भी एक सबसे पहले बैकग्राउंड देखो, ब्लेंडिंग मेरी ब्लेंडिंग बहुत अच्छी है, मैं ब्लेंड बहुत अच्छा करती हूँ, चाहे पेस्टल हो या फिर एक्रेलिक हो, इसमें की भी देखिए आप कितना मतलब बहुत अच्छा सा लग रहा है, मून आ रहा है, और मेरे हिसाब से मेरी
इसमें ड्राइंग बहुत गंदी अच्छी है, इसमें मेरी ड्राइंग अच्छी नहीं होती तो शायद ये पेंटिंग बहुत ही मजे की होती। बट मेरे हिसाब से ये एक मॉम है जिन्होंने अपने बेटे को पकड़ा हुआ है कैरी किया, बस जो कि ऐसी लग नहीं रही क्योंकि बहुत दिखाई लग रही है सीरियसली। बट आप देख लो इसका बैकग्राउंड बहुत ही ज़्यादा अच्छा है और आपको इसकी खास पर भी लगती हो। ये देखो इसमें भी बैकग्राउंड बहुत ज़्यादा अच्छा नहीं है, बट एक मसला है इसमें थोड़ी बहुत ड्राइंग भी अच्छी लग रही है। बट मसला सिर्फ ये कि जो मैंने ऊपर स्टार्स की हालत कर दी, मैं ज़्यादातर मैं जो बैकग्राउंड के लिए चीज़ें होती है स्टार्स वगैरह वो स्टेंसिल्स यूज़ करती हूँ। तो आप इसमें देखिए मैंने फर्स्ट टाइम स्टेंसिल यूज़ किया ये स्टार वाला, वैसे तो मैंने वर्ड वगैरह वाले किए थे बट स्टार वाला फर्स्ट टाइम यूज़ किया और हालत देखिए अभी पेंटिंग में क्या होगा, सिर्फ मेरा आइडिया था ये। बट क्योंकि मैंने पेपर बेस ना करते हुए इसके बैक साइड पर मैंने ये कर दिया, अच्छा लग रहा है पर अगर ड्रॉइंग अच्छी होगी तो इससे भी ज़्यादा अच्छा लगता है। ये मैंने नहीं बनाई, मेरी ससुर ने बनाया है, उसको मैंने अभी कहा था कि उसको पेंटिंग पसंद है ठीक है। ये उसकी सेकंड पेंटिंग थी जिसमें उसने डिज्नी कैसल बनाया और आप देख सकते हैं कि उसकी ड्राइंग कितनी ज़्यादा क्लीन है, फर्स्ट टाइम में मतलब बहुत अच्छा निकला पड़ा। ये मेरी है, ये मैंने थोड़ा इमोशंस में बनाई थी क्योंकि जब मेरे पास मेरा फर्स्ट पेट आया था जिसका नाम मोशू है, तो अभी तक है वो, बट उसके लिए मैंने पेंटिंग बनाई थी एक छोटे से थी, ये छोटे सा वो एक गर्ल और एक कैट, ये मैंने मेरे ये मैंने मेरे मुखी को डेडिकेट किया। इसमें भी अब बैकग्राउंड बहुत अच्छा है, मतलब क्लीन है, इसमें ज़्यादा ब्लेंडिंग भी नहीं है बट बहुत क्लीन है। ये पेंटिंग मैंने जैसे कि मेरे चैनल पे डाले अजूम चैनल पे, इसको बनाने का ट्यूटोरियल नहीं डाले बट इसको बनाने का प्रोसेस डाले कि मैं कैसे पेंटिंग बनाती हूँ, कैसे पेंटिंग करती हूँ। तो आप लोगों ने देखा होगा कि मसला सिर्फ ये हुआ, ये भी मैंने अपने ऑनलाइन आर्ट कॉम्पिटिशन के लिए बनाई थी, बट मसला ये हुआ कि क्योंकि उस टाइम लॉकडाउन था कुछ आर्ट के सामान अवेलेबल नहीं था, तो मेरे पास सिर्फ इतना A4 साइज जितना ही पेपर अवेलेबल था, यानी A4 से भी छोटा है, एक और साइज का पेपर भी अवेलेबल था स्केच पेपर, तो मैंने इसलिए बना लिया। लेकिन अगर मेरे पास बड़ा स्केच पेपर होता तो ये बहुत अच्छा लगता। ये ह्यूमन ट्री बनाया मैंने, इसमें मून है ग्रे से और ये आई थिंक ब्लू से कहते क्या है, और यहाँ पर थोड़ा सा बैकग्राउंड चेंज किया, यहाँ पर लाइट किया, यहाँ पर थोड़ा सा डार्क किया। इसका भी ट्यूटोरियल मैंने अपने मुझे अजीम सारा पे डाला हुआ है, चैनल पे डाला हुआ है, तो आप भी जाकर देखते हैं। अभी जब मैंने देखा मैं जितने भी ट्यूटोरियल डालती हूँ वो ज़्यादातर बिगनर्स के लिए डालती हूँ, एडवांस के लिए नहीं डालती क्योंकि बिगनर्स ही ज़्यादातर वीडियो देखते ट्यूटोरियल वगैरह, एडवांस लोग तो ऑब्वियसली नहीं देखते वीडियोज़ क्योंकि उनको सिर्फ आइडिया चाहिए होता है, बनाने का पूरा प्रोसेस नहीं देखता होता है। तो अगर आपने नहीं देखा आप जाकर देखिए, इसके सिर्फ नॉर्मल से थ्री है, दो तीन वर्ड्स हैं और यहाँ पर शेडो पेंट किया हुआ है थोड़ा सा, और पीछे बैकग्राउंड ब्लेंडिंग बहुत अच्छी। अच्छा मैं आपको एक चीज़ बताती हूँ कि मैं हमेशा जो है शेडो पेंट करती हूँ, मैंने सीखा ही शेडो पेंट, तो जो पोर्ट्रेट वगैरह होते हैं वो मैं बिल्कुल नहीं बना सकती, मैं सिर्फ शेडो पेंट में आप जो करें मैं वो बना सकती हूँ। तो इसमें और शेडो पेंट में अगर बैकग्राउंड बहुत ज़्यादा कलरफुल हो और आगे ये जितनी भी आपको चीज़ें बनानी हो ब्लैक से, तो बैकग्राउंड और ब्लैक का कॉम्बिनेशन बहुत अच्छा लगता है, तो आप लोग भी ट्राई कीजिएगा। एनीवे बहुत ही अजीब सा बहुत ही बेकार टाइप लग रहा है, तो इसके पीछे का आइडिया मैं आपको बताती हूँ। हमेशा हम कहते हैं कि कि आर्मी मैन ने हमारी कंट्री के लिए कि आर्मी मैन ने हमारी कंट्री के लिए वो किया, बट हम कभी भी ये नहीं देखते कि आर्मी वुमेन हमारे लिए कितना करती है। ऑब्वियसली जब आर्मी मैन अपना घर छोड़ के आता है उनके लिए भी मुश्किल होता है, बट आर्मी वुमेन उनके लिए भी बिल्कुल वो ठीक नहीं होता अपना घर छोड़ना। वो लोग अपने बच्चों को भी छोड़ के आते, अपने घर वालों को भी छोड़ के आते, पेरेंट्स सबको वो सेम मैन की तरह ही छोड़ के आते, बट हम फिर भी आर्मी वुमेन की इतनी तारीफ नहीं करते, आर्मी वुमेन को इतना एडमायर नहीं करते जितना हम आर्मी मैन को करते।
तो यहाँ पर मैंने सोचा था कि यहाँ पर एक आर्मी, यहाँ पर एक नॉर्मल मैन बैठा हुआ है और ये एक आर्मी वुमेन की कैप होगी, हैट होगी और इसका शूज होगा, यहाँ पर एक फ्लैप होगा। बट थोड़ा सा एग्जीक्यूशन में आई थिंक मसला होगा, एग्जीक्यूट अच्छा नहीं कर पाई। पर अगर आपको दोबारा पेंटिंग देखनी है बिल्कुल अच्छे से एग्जीक्यूशन में, तो आप लोग कॉमेंट में लिखिए, और अगर ज़्यादा वो मिले और इसकी तो मैं ज़रूर बनाऊँगी और इसका ट्यूटोरियल भी दूँगी। ये मेरी पेंटिंग आई थिंक मैंने रिसेंट बनाई है, बट मुझे एक करना था बैकग्राउंड ट्राई करना था। मैंने बैकग्राउंड ट्राई किया येलो ऑरेंज एंड पर्पल का बैकग्राउंड ट्राई करना था, और मुझे देखा कि इतने बड़े बड़े माउंटेन शैडो पेंट में लगते कैसे, तो इस पर ये हुआ। और कुछ स्टार्स वगैरह दी थे मैंने बना दे रही, तो ऑब्वियसली वो इतना अच्छा नहीं लग रहा, बट ठीक है, इसका अभी भी बिग साइड पूरी क्लीन है, तो मैं वहाँ पर कुछ ना कुछ ट्राई कर सकती हूँ। ठीक है, तो अब हमारे एक्रेलिक ख़त्म हो गए, एक्रेलिक ख़त्म नहीं हुई, तीन और एक्रेलिक पेंटिंग आती, सॉरी आई थिंक दो और एक्रेलिक पेंटिंग आती, बट वो भी फ्रेमिंग के लिए दी हुई, तो वो इस वीक में आ जाएगी। तो मैं नेक्स्ट वीडियो एक्रेलिक पेंटिंग जो मतलब रह गई है मेरा वर्क क्रिएटिव वर्क जो मेरे रहते हैं पेंटिंग्स वगैरह, उसके लिए बनाऊँगी। तो हम अभी आगे बढ़ते हैं, और हमारे लिए तो अब हम हमारी डूडलिंग का जितना भी वर्क है वो स्टार्ट करते हैं। मैंने मेरी सिर्फ एक पेंटिंग डूडलिंग की जिसमें हाफ फेस था, जो मैंने वीडियो डाली थी मैं क्रिएटिव वर्क उस पर, वो होगी वीडियो में, तो उसमें एक हाफ फेस था और पूरा हाफ फेस में डूडलिंग हो गई थी, तो वो मैं ज़रूर एक सर्कल में वो बनाऊँगा। तो मैं यहाँ पर लिंक कर दूँगी और यहाँ पर पिक्चर भी डालूँगी, आप लोग वो वीडियो ज़रूर देखना, और मैं उस पिक्चर का यहाँ पर वो पिक्चर यहाँ पर डाल दूँगी पिंड कर दूँगी। ये मेरी आई थिंक सेकेंड डूडलिंग, थर्ड डूडलिंग है जिसमें मुझे ये ऐसे बनाना था, मतलब मुझे ये बनाना था एक लीफ के शेप में बनाना था, बट क्योंकि लीफ के शेप में पूरी तरह आ नहीं पाया तो मैंने ऐसे बना दिया। लीफ के शेप में आ नहीं पाया तो मैंने इस तरह उसको थोड़ा सा फिशी और थोड़ा ऐसे टाइप दे दिया, बट ठीक है, पैकिंग बहुत ठीक है, अच्छी लगा। तो एक और डूडलिंग की तरफ पड़ते हैं, और वो है ये डूडलिंग आई नो थोड़ी सी यहाँ तक, यहाँ से अच्छा नहीं लग रहा, बट इस पर डूडलिंग अच्छी हुई। वो कैसे अच्छी हुई है मैं आपको जरा अच्छा से डिटेल बता दूँ, क्योंकि इसका जितना भी क्रॉप या वॉटर इस पे डूडलिंग के पैटर्न्स आए हुए हैं, देखते इसे पूरी तरह डूडलिंग के पैटर्न्स आए हुए, और ये जो सर्कल सेमी सर्कल थे ये मैंने बिल्कुल प्रकार दी किसी को यूज किया, मैंने ये इरेजर के सेमी सर्कल बनाया, सिर्फ इरेजर और पेंसिल, क्योंकि डूडलिंग में ये भी रूल होता है कि अगर आपको सर्कल या लाइन भी ड्रॉ करनी है तो आप उसके लिए कोई ऐसी चीज़ यूज़ ना करें जिससे वो ईजीली बन जाए, आप खुद ट्राई करके देखिए। तो मैंने ट्राई किया था, ये मेरे को स्टार्टिंग के डूडलिंग के पैटर्न्स थे जो कि मैंने बनाए थे। ये मैं तब छोटी थी, अभी 2 साल हो गया इसको, तो हम आगे देखिए। मेरा एक प्रोग्राम था जिसमें मेरे को एक जिसमें मुझे एक टॉपिक दिया था जिसका नाम था तसव्वुर, तसव्वुर सूफीज़म के प्रेम वगैरह उसको कहते हैं, प्रेयर्स वगैरह को कहते हैं, सॉरी प्रेयर्स वगैरह को कहते हैं। तो उस टाइम मैंने ये बनाई थी तसव्वुर के लिए, मैंने ये डूडल का पूरा बनाया था, यहाँ पर लिखा है ला इलाहा इल्लल्लाह, यहाँ पर कुछ पैटर्न्स है, यहाँ पर कुछ डिज़ाइंस है, यहाँ पर अल्लाह लिखा है, यहाँ पर एक सूफी का बन रहा है जो कि बिल्कुल डांस करते कर रहा है, डांस करते हुए जो है। बट हुआ नहीं था कि मैं जब वहाँ पहुँची रूम में पहुँची, तब मुझे याद आया कि अरे मैं तो मेरी पेंटिंग लाइन, और उस टाइम मेरा घर भी काफ़ी दूर था कि कोई जाए वाला, तो मैंने ये नहीं छोड़ा। मुझे मेरी ये वाली डूडलिंग भी बहुत अच्छी लगती है, क्योंकि आई डोंट नो, बहुत छोटी सी सिंपल सी बहुत अच्छी लगती है, और ये बहुत सिंपल है। ये मेरी फर्स्ट टाइम डूडलिंग थी जब मैं किसी एनिमल पर डूडल कर रही थी, तो ईजी अच्छा। ये ओल्ड मैंने नहीं बनाया, ओल्ड प्रिंट आउट है, बट जिसके अंदर जितनी भी डूडल की है वो मैंने की। मेरा फर्स्ट टाइम आई थिंक मैं एक डूडल का वर्कशॉप कंडक्ट कर रही थी जिसमें मैं छोटे छोटे 10 आई थिंक 7 साल थे, 7 to 12 को मैं डूडल सिखा रही थी, जहाँ पर काफ़ी सारे बच्चे आए थे, और बिल्कुल छोटे छोटे बच्चे जिनको ड्राइंग भी नहीं आती वो डूडलिंग सीखने के लिए आए थे। तो मेरा आइडिया और मेरी फ्रेंड का आइडिया ये था जो कंडक्ट कर रहे थे, ये एक उनको पहले स्टार्टिंग में 1 आवर में पैटर्न्स वगैरह सिखा देंगे, और फिर उनको कहेंगे कि आप अपने भी पैटर्न्स बनाओ जो कि आपके दिमाग में आ गए, और फिर हम उनको ये प्रिंट आउट देंगे उनका जिसमें वो लोग अपने जितने भी पैटर्न्स हैं बना देंगे। ट्रस्ट मी, इससे अच्छा उन बच्चों में बनते हैं। और ये मेरी लास्ट डूडलिंग है,
ये कोई प्रिंट आउट नहीं, क्योंकि एक्चुअली जिसके भी मैंने अपने फ्रेंड्स को दिखाया वो कहते हैं अरे ये प्रिंट आउट किया है, बट ये आप देखिए ये कोई प्रिंट आउट नहीं, ये मेरी डूडलिंग के सारे पैटर्न्स हैं, जितने भी मैंने अभी तक पैटर्न सीखे हैं, सिखाए हैं और बनाए भी हैं, ये मेरी वो सारे पैटर्न्स हैं। ये नॉर्मली कंप्यूटर पर पड़े, तो मैंने कोई स्केच पेपर कोई बुक कुछ चार्ट वगैरह नहीं किया, नॉर्मली ब्लैक कंप्यूटर पर पढ़ते ब्लैक से डूडलिंग होती है। तो अगर आपको डूडलिंग के भी ट्यूटोरियल चाहिए तो आप मुझे कमेंट कीजिए, या फिर आप मुझे फॉलो तो कर लीजिए इंस्टाग्राम पे अज्यूम सारा पुखराज .cr को, तो कैसे होगा तो सबसे पहले आप मुझे वहाँ पर फॉलो कीजिए अज्यूम सारा या फिर सारा पुखराज .cr पे, मैं दोनों का लिंक यहाँ पर भी डाल दूँगी और नीचे डिस्क्रिप्शन में भी डाल दूँगी, मैं हर वीडियो में लिंक डाल दूँगी, फॉलोअर्स हाँ नहीं है यहाँ पर ऑलमोस्ट 200 होने वाले और वहाँ पर 10-20 होंगे फॉलोअर्स बस, मतलब तो आप सबसे पहले मेरा अकाउंट करके फॉलो कीजिए। दूसरा, आपको नेक्स्ट वीडियो में कोई पेंटिंग वो जो आर्मी वाली पेंटिंग ट्यूटोरियल चाहिए वो चाहिए, या फिर मेरी जो पेंटिंग आएगी इस वीक में उसकी एक वीडियो चाहिए, तो आप मुझे कमेंट में बताइए कि आपको कौन सी वीडियो चाहिए, आर्मी वाली वीडियो चाहिए नेक्स्ट में ट्यूटोरियल के साथ, या फिर उसका पूरा प्रोसेस चाहिए, या फिर आपको मेरी जितनी पेंटिंग्स अभी आएगी फ्रेमिंग फ्रेम होगी आपको वो देखनी है वीडियो में, तो आप मुझे बताइए। और तब तक के लिए प्लीज़ आप सेफ रहिए, अगर आप नीचे जा भी रहे किसी काम आगे तो पूरी प्रिकॉशंस लेकर जाइए, क्योंकि अब हमारा टाइम है कि हम अपनी कंट्री में थोड़ा सा इन्वॉल्व हो जाए और थोड़ी सी उनकी मदद करें, तो आप ज़्यादा काम ना करेंगे अपने जितने भी डॉक्टर्स वगैरह के वो लोग अपना कर चुके आप लोगों के लिए बहुत काम करें, तो आप मेरा काम करते हुए फॉलो कीजिएगा और मुझे कॉमेंट जरूर कर दीजिएगा। अब ऑब्वियसली यहाँ पर 170 हो गए सब्सक्राइबर्स, तो इस वीडियो को 30 या 50 लाइक्स तो मिल ही सकते हैं ना, ठीक है, तो इस वीडियो को 30 या 50 लाइक दीजिए, कमेंट कीजिए आपको नेक्स्ट वीडियो कौन सी चाहिए और सेफ रहिए।